सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वेलकम टू करंट अफेयर्स एजुकेशन क्विक टू द पॉइंट कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे चंडीगढ़ पर पंजाब व हरियाणा का दावा। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी के लिए ज्वाइन करें हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी कार्निवल 29 नवंबर को सुबह 8 से रात 11 बजे तक। इस कार्निवल में आपको मिलेगा 50 प्लस फ्री लाइव क्लासेस इन हिंदी एंड इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी विषयों पर बेहतरीन कवरेज और पीडीएफ सुविधा उपलब्ध। सभी कक्षाओं का समय आप स्लाइड में देख सकते हैं, तो अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप या अनअकैडमी.com पर साइन अप करें। इन लाइव क्लासेस के लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में उपलब्ध है। टू अनलॉक द प्लस एक्सपीरियंस फॉर फ्री एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट, यूज कोड CAEYT10, बिकॉज इस कोड का मतलब है बेहतरीन डिस्काउंट। चर्चा में क्यों? हाल ही में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ को स्वतंत्र केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाना चाहिए और दोनों प्रदेशों पंजाब तथा हरियाणा को अपनी अपनी स्वतंत्र राजधानियां बनानी चाहिए और उच्च न्यायालय की अलग अलग खंडपीठों का निर्माण करना चाहिए। पृष्ठभूमि, आजादी से पहले तत्कालीन पंजाब की राजधानी लाहौर की जगह चंडीगढ़ को बनाए जाने की योजना थी, लेकिन विभाजन के बाद वह पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। मार्च 1948 में केंद्र के परामर्श पर पंजाब की सरकार ने नई राजधानी के लिए शिवालिक की तलहटी के क्षेत्र को मंजूरी दी। वर्ष 1952 से 1966 तक, जब तक हरियाणा नहीं बना था, चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी बना रहा। वर्ष 1966 में पंजाब के पुनर्गठन के बाद चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी होने का अनूठा गौरव प्राप्त हुआ। इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था और केंद्र के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा गया था। चंडीगढ़ में अवस्थित परिसंपत्तियों को पंजाब हरियाणा के बीच 60:40 के अनुपात में विभाजित किया जाना निर्धारित हुआ था। पंजाब का दावा। 70 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यह घोषणा की कि हर हाल में हरियाणा की अपनी अलग राजधानी होगी और चंडीगढ़ पूर्णतः पंजाब का भाग होगा। हरियाणा के अस्तित्व में आने के बाद इस बाबत सरकार द्वारा कुछ निर्देश भी जारी किए गए थे। वर्ष 1985 में हुए राजीव लोंगोवाल समझौते के तहत 26 जनवरी 1986 को चंडीगढ़ को पंजाब को पूर्णतः सौंप दिया जाना था, लेकिन राजीव गांधी सरकार ने अंतिम समय पर इस फैसले को रोक दिया। हरियाणा का जवाबी दावा। 1970 के दस्तावेजों के अनुसार केंद्र ने मामले को सुलझाने के लिए शहर को विभाजित करने के अलावा कुछ अन्य विकल्पों पर भी विचार किया था। चंडीगढ़ को विभाजित करना मुश्किल था क्योंकि इसे राज्य की राजधानी के रूप में एक नियोजित शहर की तरह बसाया गया था। हरियाणा को चंडीगढ़ में केवल 5 वर्ष के लिए कार्यालय और आवासीय क्षेत्र का उपयोग करने के लिए कहा गया था, जब तक कि वह अपनी नई राजधानी में स्थानांतरित ना हो जाए। केंद्र ने हरियाणा को नई राजधानी स्थापित करने के लिए बड़ी राशि की पेशकश की थी, यद्यपि यह कभी मूर्त रूप में साकार ना हो सका। वर्ष 2018 में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ के विकास के लिए एक विशेष निकाय गठित करने का सुझाव दिया था, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा था कि यह शहर निर्विवाद रूप से पंजाब का